हाय, मेरा नाम आकाश तलवार है और आई एम प्लेइंग अनुज रायकर. इट्स अ न्यू शो कमिंग अप ऑन दंगल, कंट्रोल रूम. यस, हम सारे वर्दी में वो कॉप्स दिख रहे हैं, हम कॉप प्ले कर रहे हैं शो में. हमारे ACP एक टीम फॉर्म करते हैं, एक ब्यूरो जहाँ पे हम हर एक केस को 24 आवर्स में सॉल्व करेंगे. देखिए, थोड़ा रील और रियल में डिफरेंस तो रहेगा. अगेन, शो है, इट्स मेड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस. और अभी हम रील पे काम कर रहे हैं, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, और रियल लाइफ में तो उससे भी ज़्यादा मिलते होंगे. एंड यस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब ऑफ कॉप्स. तो आई ऑलवेज टेल पीपल एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन के आप रूल्स को फॉलो कीजिए, हेल्प द कॉप्स. सर, और इससे पहले भी कई शोज आ चुके हैं, जैसे CID हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ. आपको लगता है कहीं ना कहीं ये शो देख के क्राइम्स को और आइडिया मिल रही है कि कैसे क्राइम किया जाए, क्रिमिनल्स को एजुकेशन? देखिए, जब ये शोज नहीं थे, आई थिंक तब भी क्राइम होता था, और क्रिमिनल का काम है आई थिंक क्राइम करना, और पुलिस का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना. तो इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है, और गलत ना करना आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है. तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं लोगों को, गलत मत कीजिए और बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल. मेरा कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग अ फेयरेस्ट कॉप. प्लस मेरा एक USP है इन द टीम के जो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलती वो मैं लेके आता हूँ, कि मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है. से एक बिजनेसमैन से लेके एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक पॉकेट मार, ये सारे मेरे नेटवर्क में आते हैं. तो मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ. सर, यूजुअली बात की जाए, अगर क्या मैसेज देना चाहता है ये शो, बताना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर ऑन स्मॉल स्क्रीन, इट्स अ सिनेमा, तो इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट. एंड यस, बींग अ कॉप, आई थिंक आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेल पीपल के आप कुछ गलत मत कीजिए, लॉ को फॉलो कीजिए, क्योंकि लॉ आपकी ही सेफ्टी के लिए बना है. रियल लाइफ में आपने कभी कॉप फेस किया है या पुलिस स्टेशन गए हैं कभी ऐसा? नहीं, मैं रियल लाइफ में कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया. हाँ, एक दो बारी किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूर गया होऊंगा, अदरवाइज आई फॉलो रूल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है आज तक. थैंक यू. Okay.
आपको टाइम पर मिलता है। क्वेश्चन ही नहीं होता।
Yeah, it's a pleasure working with you, sir. But this is my first time with Yash sir and all of you guys meeting and working for the first time. Although we've known each other many times, but working for the first time. And great to be wearing a uniform. And it feels good to be a part of the show. Like Yash sir has said, the intent of the show is to, you know, whatever that he's wanting to see on screen. And I hope that I can do justice to his vision, to the creator's vision, to the writer's vision, to the director's vision. And at the same time, you would, you know, with him, just entertain people, that's all. And I thank Rangatv, I thank sir, that you've come on board of such a wonderful show. I've always seen him on various platforms. He's a senior most out here. And my first scene in the show was with him, in interactive scene, so it was really good. Thank you so much. And I'm looking forward to such a young cast. And like she said, all beautiful people, all beautiful people. So we've already bonded well, and I'm sure this will reflect on screen as well. You know, that's the thing. And over to you, Akash. जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद बियॉन्ड ड्रीम्स आई बीन योर फैन ट्रूली एंड ऑल योर शोज लाइक वीरा एंड तड़क एंड ऑल ऑफ दैट डाई हार्ट आई यूज्ड टू वॉच विद होल हार्टेडली एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बियॉन्ड ड्रीम्स एंड एसोसिएटेड विद कंट्रोल रूम विद यश एंड मम्ता मैम एंड सच अ वंडरफुल टास्क आई मीन ट्रूली निशान समीक्षा चेष्टा ऑल ऑफ देम आई मीन ट्रूली टैलेंटेड एंड ग्रेट पीपल टू वर्क विद एंड आई एम As an IPS officer, as Sugandha Singh, it's a very good show, it's a very different show, it's a very unique show, and I'm hopefully this is going to be skyrocketing. She's a very powerful character in a sense where her mind and her heart works in sync. So her case solving methods are so authentic and so, you know, she's very shant rehke, chup rehke. She would notice everything and then she would speak. And she would always speak sense, which is the beauty of Sugandha.
बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो टॉप के कैरेक्टर्स में मेल्स तो काफ़ी अच्छे स्मार्ट डैशिंग लगते हैं, रानी मुखर्जी भी बहुत अच्छी लगती है मर्दानी में. सो आई थिंक दैट शी इज़ एन इंस्पिरेशन एंड आई हैव बीन इंस्पायर्ड एंड आई हैव टेकन सम नोट्स फ्रॉम हर, वेरी ग्लैड. एंड रेखा जी के बारे में क्या ख्याल आपका? रेखा जी भी काफ़ी अच्छी लगी है, कूल बने अंगारे में. I've not seen that movie, apologies, but that's an old movie, right? मैं देखूँगी. Now, is it? Definitely. अगर mental notes तो लेने ही हैं तो why not? वो भी देख के कुछ ना कुछ तो सीखने मिल ही जाएगा मुझे, मेरे लिए. फूल बने अंगारे रेखा जी की है तो बनता है. और यूजली बात की जाए अगर वुमेंस की तो पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब कि बहुत कम वुमेन देखने को मिलती है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर यही ख्याल है तो फिर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसा रोल कर रही हूँ जिसमें लोग कम हैं, है ना, और वो चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग होती है, फिर वो लोग देखना भी चाहते हैं. एंड मैं हमेशा से अपने कैरेक्टर्स को लेके बहुत चूज़ी रही हूँ और हर बार अपने कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी प्राउड रही हूँ. So this is the third time and I'm doing something very different and I'm loving it. Definitely it's deliberately. As I said, I'm very choosy and I took some time and I decided, okay, this is it. This I can do. I'm very happy. See, I'll never go for something I don't like. ये हम इस इंडस्ट्री में आए ही इसलिए कि हम वो करें जिससे हमें प्यार है, राइट? जिससे मन ही नहीं है तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं ना, ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं. तो हम कॉरपोरेट में ना होते, आप भी इसलिए हम भी इसलिए. रियलिटी शोज की बात की जाए तो आज सब रियलिटी शोज का क्यों पूछ रहे हैं? सब ने पूछा, क्यों कुछ है क्या? आज सब आप यहाँ कैसे? अरे मैं मिलने गया था मगर आपकी ऑफिस में कंट्रोल रूम कर रहे हो सर आप? मजा आएगा सर, मजा आएगा. मेरा सर सच में क्या बात कर रहे हो? सच में आ रही हो? यही हो ना? सॉरी सर, ये मेरे महक के शो के डायरेक्टर है, फर्स्ट शो के डायरेक्टर है तो थोड़ा बनता है मिलना. क्या कुछ क्या प्लान है आपका रियलिटी शोज को लेके? रियलिटी शोज फॉर से झलक इफ आई गेट आई बी वेरी हैप्पी. आई लव डांसिंग एंड आई होप आई गेट इट इन फ्यूचर, बट आई थिंक आई स्टिल हैव टू पुट माई ग्राउंड हियर इन द इंडस्ट्री. थोड़ा और नाम कमा लूँ, थोड़ा और एक्सपीरियंस कमा लूँ जिससे सीख मिले, एक थोड़ा सा और विजडम आ जाए. ये मैं बहुत नई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने 2 shows किए हैं एंड अभी 3-4 साल ही हुआ है मुझे, तो मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा टू डू बिग बॉस जैसा बड़ा शो. फियरलेस पीपल ही कर सकते हैं वो, मैं थोड़ी सी डरती हूँ. थोड़ा सा डरना कम करना पड़ेगा तब करूँगी. आपकी रोल की बात की जाए कंट्रोल रूम में तो आपका फिटनेस, आप काफ़ी फिट लग रही हैं इस रोल में. थैंक यू. तो क्या तैयारी की गई थी फिटनेस को? आई मीन आई जस्ट टुक केयर ऑफ मी. आई मीन ये शो मेरे लिए बहुत सडन था, आई मीन बहुत लास्ट मिनट आया एंड शो चालू हो गया, बट आई वॉज एनी वे टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम कंटिन्यू टू डू दैट. एंड वो चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखूँगी एंड एज एन एक्टर वो करना चाहिए. I'm very happy. आप इस शो में लेडी सिंघम का रोल, ऐसा लग रहा है कि आपका लेडी सिंघम का रोल है? नहीं नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू बी तशन लाइक निशांत. निशांत बी बोथ आर IPS, बट हिज रोल इज़ वेरी दबंग एंड माई रोल इज़ वेरी शान, वेरी मतलब टू द पॉइंट. शी इज़ वेरी लॉजिकल एंड दैट्स द होल डिफरेंस. आई एम वेरी सटल, आई एम अंडर प्लेइंग. I mean, it's a very different role, you guys, and I hope you guys love me, and hopefully everything is upar wale ke haath mein, and I love you all. Thank you. Nishant, kya aap se janna chahenge ki aap television ke singham lag rahe hain, to kya kahenge aap apne role ke bare mein? Television ka singham, thank you so much. Bahut hi alag kirdar hai ye, meri life ka sabse अभी रेडी. टीवी का सिंघम, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, थैंक यू. बट आई वुड वांट टू बी नोन एज आयुष्मान शर्मा, ACP आयुष्मान शर्मा, बिकॉज दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट. इस शो में बहुत ज़्यादा एक्शन है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है. यानी पुलिस वाले की लाइफ एग्जैक्टली कैसे होती है हम एकदम रियलिस्टिक तरीके से दिखाने वाले हैं. सर
शो की बात की जाए तो ये शो आपको कैसे मिला, क्या है, तो ज़रा इसके बारे में। तो दंगल टीवी और बियॉन्ड ड्रीम्स के साथ मेरा ये दूसरा शो है। रक्षाबंधन एक बहुत अच्छा शो था, सुपर हिट शो था इस चैनल पे, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव गिवन मी दिस ऑनर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स फॉर अनदर शो। सो यश सर ने एक दिन कॉल किया, बोला कि कंट्रोल रूम करके बहुत बड़ा शो मैं बना रहा हूँ, इट्स माई विजन, माई बेबी, एंड आई थिंक यू विल फिट द बिल कम्प्लीटली परफेक्टली, बिकॉज आयुष्मान शर्मा एंड निशांत मलखानी आर वेरी सिमिलर इन माई आईज। तो ये जब उन्होंने बोला तो आई कुड नॉट से नो। सर, यूजुअली कॉक्स की बात की जाए तो अब रियल लाइफ में आपने कभी पुलिस स्टेशन या? हाँ हाँ बिल्कुल, पुलिस स्टेशन हम कई बार गए हैं क्योंकि हमें अग्रीमेंट्स बनवाने होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मैंने पुलिस वालों को बहुत ऑब्जर्व वैसे भी किया हुआ रियल लाइफ में। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पुलिस फोर्स, बिकॉज सी पुलिस पीपल, पुलिस मैन आर जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स, बट उनकी भूख, उनकी नींद, उनके फेस्टिवल्स, उनके इमोशंस सब ड्यूटी से पीछे हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर, बोला जाता है कि वर्दी पहन के, वर्दी पहन के मतलब अलग सी गर्मी आ जाती है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, एक जज्बा आ जाता है जब आप वर्दी में खुद को देखते हैं ना, तो यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड, यू स्टार्ट फीलिंग पावरफुल, यू स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। मेरे लिए कैरेक्टर में आना इतना ईजी हो जाता है यूनिफॉर्म पहनते ही, मैं खुद को देखता हूँ मिरर में, आई स्टार्ट फीलिंग लाइक एसीपी आयुष्मान शर्मा। सर, क्या रहेगी इस शो की यूएसपी? ये रहेगी कि हम लोग इसे बिल्कुल फिल्म की तरह शूट कर रहे हैं, फिल्म कैमराज हैं, फिल्म लाइट्स हैं, फिल्म फॉर्मेट्स हैं। एक घंटे की एक फिल्म की तरह एक एपिसोड आएगा सैटरडे को और एक घंटा आएगा संडे को। हर एक एपिसोड की एक कहानी है जो स्टार्ट टू एंड आपको एक ही घंटे में दिखाई जाएगी, तो आप बोर नहीं हो सकते। रियल लोकेशंस हैं, रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल स्टोरीज हैं, सो आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द शो, इट्स लाइक वेब ऑन टीवी। और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आपके साथ जो भी और कैरेक्टर्स हैं तो उनके साथ कितना मजा है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, पूरी टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, सभी जितने भी हमारे एक्टर्स का जो ग्रुप है, वी ऑल हैव अ वेरी गुड रैपो विद ईच अदर। सर, शो की बात की जाए तो यूजुअली हम इससे पहले भी ऐसे सब शो देख चुके हैं, मतलब CID देख चुके हैं, तो हमका क्या CID अदालत, ये बिल्कुल बहुत बहुत ही कमाल के शोज थे, लेकिन एक पुलिस मैन की प्रोसीजरल ड्रामा पहली बार आप देखेंगे कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक जो इंसान के इमोशंस होते हैं, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो किस तरह से रियलिस्टिक जोन में चेंज होते हैं। दूसरा, वी आर शोइंग पुलिस फोर्स ऑफ 2022, मुंबई पुलिस ऑफ 2022, जिनके पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट गैजेट्स हैं, लेटेस्ट तरीके हैं, मेथड्स हैं टू क्रैक अ केस। तो ये बहुत ही न्यू एज शो है और ये आज का शो है और ये हमारी पुलिस फोर्स की रियल स्ट्रेंथ आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। सर, यूजुअली पुलिस फोर्स की बात की जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स को इतना क्रेडिटिंग मिलता है जितना मिलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? आई थिंक ये शो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि पुलिस फोर्स हमारे लिए क्या करती है और कितने सैक्रिफाइसेस करती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू। कंट्रोल रूम एक क्राइम बेस्ड शो है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम सब पुलिस की वर्दी में हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्पेशल फोर्स है, एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो फॉर्म की गई है। मेरा जो किरदार है DCP शांतनु वर्मा, ये उसी का ब्रेन चाइल्ड है कि वो चाहता था कि लोगों को जस्टिस मिले। लाइक आई सेड, डिलेड जस्टिस विच आई बिलीव इज़ इनजस्टिस ऑल्सो, एंड ये बहुत सालों से शांतनु के दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसी टीम में बनाऊं जिससे कि लोगों को तुरंत जस्टिस मिले, यू नो, जो विक्टिम्स है उनकी फैमिलीज़ को, उनके दोस्तों को, सबको, वो एक सबको एक सुकून मिले कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका हमें तुरंत जस्टिस मिला है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेके ये शो बना है। और कंट्रोल रूम में बहुत सारे किरदार है, सारे टीम है, तो वो एक स्पेशल टीम फोर्स बनाई है और हर टीम मेंबर अपना एक पर्टिकुलर स्किल सेट जो है वो इस टीम में लेकर आता है, एंड कंबाइंड वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड इम्पोर्टेंट फोर्स। मेरा जो कैरेक्टर है वो है DCP शांतनु व्यास का। तो जैसे कि कहा कि ये शांतनु का ही एक आइडिया था कि एक ऐसा कुछ एक फोर्स बने, और उसके दिमाग में ये है कि वो चाहता है कि जो भी क्राइम हो वो 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस फोर्स सॉल्व कर सके, ताकि लोगों का पुलिस पे से विश्वास ना उठ जाए, भरोसा रहे
वी लुक अप टू द पुलिस डिपार्टमेंट टू गिव अस जस्टिस, और शांतनु यही चाहता है। और तो एक टाइमलाइन के साथ ये शो जो एक मुझे कॉन्सेप्ट है कि हर शो को 24 से 48 घंटे के अंदर सॉल्व करना, ये अपने आप में एक यूनिक फार्मूला है, जिससे कि कहानी बहुत फास्ट पेस रहेगी। जैसे कि आप इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज, अब क्राइम्स वो नहीं रहे जो पहले होते थे, हर रोज एक नए किस्म के क्राइम्स होते हैं। नाउ यू नो द वर्ल्ड इज एक्सपेंडिंग द डिफरेंट फ्रॉम देयर, देयर आर साइबर क्राइम्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स हैपनिंग। सो नाउ वी आर इनकल्केटिंग अ लॉट ऑफ न्यू लेवल्स ऑफ स्टोरीज एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत मजा आएगा ये शो देखने में। जी नहीं, अब तक नौबत नहीं है कि पुलिस के पास जाना पड़े, और मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि ऐसा कुछ कभी आए भी ना। सो नहीं, कभी सिवाय पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया हूँ। देखिए, देखो हर शोज़ का यही थीम लाइन होता है कि भाई हम एज अ फिल्म फ्रटर्निटी और टेलीविजन फ्रटर्निटी, वी आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट अ सर्टन यू नो, यू थ्रो लाइट ऑन सर्टन थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन द सिटी इन आर कंट्री। और उससे अगर जो देखने वाले हैं उसे कई बार बस यही लोगों को समझ आता है कि किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों से संभल के रहना चाहिए। तो अगर ये मैसेज अगर पहुंचता है तो बेहतरीन है। दूसरी बात, इस शो के ज़रिए जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों का पुलिस पे भरोसा रहे, बरकरार रहे, और ये फेथ रीइग्नाइट करने के लिए कि भैया जस्टिस मिलेगी, जल्द मिलेगी, और इस शो से अगर चीज़ें बदलती हैं तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। देखिए, मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस से दुश्मनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अगर दोस्ती रही अच्छी तो उसमें क्या गलत बात है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो यस, यू कैन बी फ्रेंड्स विद पुलिस, बट दैट फ्रेंडशिप विल नॉट अफेक्ट द पुलिसिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एज एन ऑनेस्ट कॉप ऑलवेज नोज वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, सो दैट्स अबाउट इट। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, और एक टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है, और मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं बियॉन्ड ड्रीम्स के, यश पटनायक, ममता पटनायक, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा, और मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट शो है ये सेटअप करना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न क्राइम्स एंड अ न्यू सेटअप, यू नो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आना, क्राइम्स अलग अलग जो होते हैं उन्हें, उन पर रिसर्च करना, उन्हें ऑन पेपर लाना, उसके बाद ऑन स्क्रीन लाना, एक बहुत इट्स नॉट ईजी, एक जिम्मेदारी का काम है, और वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू डंगल दैट दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब इन गेटिंग दिस शो टुगेदर। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बिना क्राइम के आपके घर पे पुलिस आएगी तो आपको कैसा लगेगा? क्राइम होगा तो पुलिस आएगी ना, तो ये तो बहुत ही बेहुदा सा एक थॉट है कि क्राइम होने के बाद पुलिस आती है, तो पुलिस भगवान थोड़ी ना है, वो भी इंसान है, अगर कुछ गलत होता है तभी तो आप पुलिस के पास जाते हो ना, आप ऐसे थोड़ी नीचे उतर के, जैसे हम शाम को कॉफ़ी पीने जाते हैं दोस्तों के, तो चलो एक काम करता हूँ आज मैं, मन कर रहा है पुलिस स्टेशन जाके चाय पी के आता हूँ, ऐसा होता है कभी नहीं ना। तो पुलिस वाले बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे, कहीं जहाँ कुछ गलत होता है वो पहुँच जाएंगे वहाँ पर, और अगर ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ पीपल टीम्स विच आर पेट्रोलिंग, तो वो पेट्रोलिंग में जहाँ उन लगता है कोई चीज़ गलत होगी तो अगर हो सके तो दे विल डेफिनेटली अवॉइड इट, ऑफकोर्स येस। एंड आई थिंक आर पुलिस डिपार्टमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मीन क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनकी उनके शूज़ में रह के ड्यूटी निभाना, अगर कोई पहले वो निभाओ उसके बाद आप किसी को क्रिटिसाइज करो, ये मेरा मानना है। कंट्रोल रूम कहानी है, इट्स बेसिकली अ क्राइम बेस्ड शो जो कि बाई वीकली आने वाला है दंगल चैनल पे, और जो मेरा कैरेक्टर है वो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, बट फॉरेंसिक एक्सपर्ट विद अ लिटिल हॉटनेस एंड अ पेपी लुक, दैट्स द यू नो ट्विस्ट टू द शो एंड माई कैरेक्टर। मेरा नाम नाजनीन रहेगा एंड
या वी शॉट फॉर अ कपल ऑफ एपिसोड्स एंड हम लोग बहुत खुश हैं शूट करके एंड आई एम श्योर द ऑडियंस विल लव इट. मैम इस तरह के शोज पहले भी आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि इस शो में ऐसे की नई बातें भी ऑडियंस को देखनी चाहिए? देखो क्राइम आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ अ फैन बेस्ड शो व्हिच मीन्स कि भाई ये शोज तो सबके ही चाहते रहते हैं एंड क्राइम तो जब ख़त्म ही नहीं होगा इस संसार से तो क्राइम बेस्ड शोज तो आते ही रहेंगे. सो दैट्स बेसिकली वी वॉन्ट टू शो एंड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट वी एंड अप द शो बिकॉज वी सॉल्व द केस कलेक्टिवली एंड या आई थिंक मुझे खुद काम करके इतना अच्छा लग रहा है तो पीपल विल डेफिनेटली इंजॉय वॉचिंग सच शोज. मेरी इमेज मुझे बदलने की ज़रूरत ही नहीं है. आई थिंक मेरी अगर आप जर्नी देखते हैं तो मैंने बहुत चैलेंजिंग रोल्स किए हैं. ये शो पकड़ने का मतलब इमेज चेंज करना नहीं है. ये शो मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ बियॉन्ड ड्रीम्स. जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ मैं हमेशा से यश सर के साथ काम करना चाहती थी, ममता मैम के साथ काम करना चाहती थी जो इनके इतने बड़े बड़े हिट्स गए हैं लाइक साडा हक एंड वीरा एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद देम. सो हियर आई एम. आई थिंक आई एम वर्किंग विद बियॉन्ड ड्रीम्स. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. और क्राइम बेस्ड शो इसलिए चूज़ किया है जैसे कि मैंने कहा हमेशा से हैव बीन अ लिटिल चूजी ऑन रोल्स. सो ये फॉरेंसिक का किरदार मैं निभा रही हूँ जो बहुत चैलेंजिंग है. जो मैं देख सकती हूँ वो दूसरे नहीं देख सकते हैं इन द शो एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू सॉल्व द केस. नहीं यार टचवुड मैं नहीं गई हूँ. हाँ आई थिंक आरटीओ ऑफिस गई हूँ बट पुलिस स्टेशन आई हैव नेवर बीन. यार अब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. अब एक क्लास है उसमें किसी के कुछ मार्क्स आते हैं किसी के कुछ मार्क्स आते हैं. सो वी शुड नॉट जस्ट यू नो ऐसा हम पूरा डिपार्टमेंट को नहीं उंगली उठा सकते हैं. आई थिंक हम एक शो कर रहे हैं जिसकी कोई स्टोरी और स्क्रीन प्ले है और हम लोग क्राइम को सॉल्व करते हैं केस को सॉल्व करते हैं. सो दैट इज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. इसमें कोई प्रेशर वगैरह की बात नहीं है. आई एम एंजॉयिंग डूइंग इट. वी ऑल आर हैविंग फन. यार आई एम श्योर हमारा मकसद तो यही रहता है कि लोग अवेयरनेस फैलाने का, लोग अवेयर हो जाएं और जो क्राइम कर रहे हैं उन तक ये मैसेज जा सके कि भाई पुलिस है, फॉरेंसिक टीम है एंड आप लोग डेफिनेटली पकड़े जाओगे. सो यू बेटर स्टॉप डूइंग इट. बट ऑब्वियसली हमारा मेन रीज़न यही रहता है कि हम अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोग क्राइम में ना फंसे और अवेयर रहे. देखिए यू गाइस हैव सपोर्टेड मी अ लॉट हमेशा से ही. जब से मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा है आई हैव बीन वेरी लकी कि आप लोगों ने मुझे डे वन से सपोर्ट किया है. इस शो को भी देखिए बहुत ही प्यारा शो है एंड जस्ट कीप लविंग एंड सपोर्टिंग. हाई आई एम चेष्टा भगत एंड दिस शो इज ऑल अबाउट फाइव कॉप्स और हम लोग क्रिमिनल्स की बैंड बजाने वाले. पुलिस क्या करती है, क्रिमिनल्स की बैंड ही तो बजाती है. तो जो जहाँ पुलिस है वहाँ क्रिमिनल्स हैं और वहाँ पिटाई है. या माई कैरेक्टर इज लाइक इट्स अ कॉप. ऑब्वियसली इट्स आई एम वेरिंग अ वर्दी, आई एम अ कॉप एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग बिकॉज ये मेरा करियर का इट्स अ वेरी यूनिक फॉर माई करियर. मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया क्योंकि डेली सोप्स किए आज तक जो उसमें सब सलवार सूट यू नो सब अलग होता है. सो या आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल राइट नाउ. वेन एवर आई वेयर वर्दी इन द मॉर्निंग मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं अब एंड मैं बहुत पेट्रियाटिक बन गई हूँ. मुझे देश के लिए बहुत यू नो ये फील मुझे अब आने लगा है जब से मैंने ये शो ज्वाइन किया. क्राइम शोज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चलते हैं बस आपको लगता है कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स में जो है एक सतर्कता कुछ कम हुए क्राइम की आपको क्या लगता है कि कम हुए?
मुझे पहले ऐसा लगता था जब हम मैं ऐसे व्हेन आई वाज यंग व्हेन आई वाज अ किड तो मैं ऐसा देखती थी कि जब पुलिस कुछ सॉल्व करती है ना केस तो मुझे ऐसा लगता था कि बल्कि क्रिमिनल्स को आइडियाज़ मिलते हैं टीवी देख के कि इसका सॉल्यूशन क्या है इसका तोड़ क्या है बट आई डोंट नो रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट हम क्या दिखाते हैं और रियल लाइफ में बहुत चीज़ें सिमिलर होती हैं क्योंकि वहीं से हम उठाते हैं बट या देखो इट डिपेंड्स ऑन एवरी क्रिमिनल जिसको कुछ करना है तो वो वैसे भी करेगा वो आइडिया मिलना और यू नो मोटिवेट होना जिसको गलत करना है वो तो करेगा हाँ ऑब्वियसली एक ये इस ये एक रिस्पॉन्सिबल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है एक यू नो पावरफुल फीलिंग देता है तो मैं अब थोड़ी सी मैं गुस्सा आने लगा फिर से वापस क्योंकि वैसे मुझे गुस्सा कम हो गया था लेकिन अभी फिर से वापस आ रहा है और मुझे फील होता है कि व्हेन यू गेट इनटू अ कैरेक्टर ना जबकि अभी अभी हम लोग तो वैसे तो मस्ती में शूट करते हैं लेकिन आप यू आर बजॉइंग बैंड ऑफ क्रिमिनल्स तो वो थोड़ा सा आप एक जोन में जाते हो सो अभी आई एम नोटिसिंग माई सेल्फ कि वापस से मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होने लगा है सो दो हैं तीन तीन वो फॉरेंसिक या सी आई ऑलवेज बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि सुंदर लड़कियां हैं अच्छे से काम कर रहे हैं लड़कों लड़के तीन हैं लड़कियां तीन हैं सब इक्वल है ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत है सीरियसली आजकल आई थिंक बॉम्बे में तो चलो अच्छा है मैं आई कीप सीइंग लेडी कॉन्स्टेबल्स एंड लेडी पुलिस बट आप दूसरे शहरों में चले जाओ जहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं होती जैसे दिल्ली में भी कितने क्राइम ज़्यादा हैं सो वहाँ पे फीमेल कॉप्स भी कितनी बार नहीं होती रात को अवेलेबल क्योंकि क्राइम्स हैं सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा आप और फीमेल कॉप्स आएंगी तो चीज़ें बदलेंगी कैसे ही प्यार करते रहिए ऐसे ही हमारा ये नया शो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम प्लेइंग अ कॉप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर माय कंट्री एंड थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग ये एक शो कॉप बेस्ड शो है इसमें जैसे आपने देखा होगा कई शोज़ जो टीवी पे चल रहे हैं उनसे मिलता जुलता है लेकिन काफ़ी अलग भी है अपने मायने में इसमें हर किरदार की एक अलग पहचान है और अलग क्षमता है और मैं इसमें कमिश्नर बना हूँ इसमें कोई बॉडी बिल्डर है तो कोई शक्तिशाली है तो कोई दिमाग वाला है तो कोई चुलबुला है तो खट्टा मीठा सब कुछ है इसमें मेरा तो एक टिपिकल कमिश्नर है जो कि डिसिप्लिन और अनुशासन के नाम पे बहुत सख्त हैं और उसी में ही इनका दुख सुख आराम नरम गरम सब है ये वही तो बताया कि इसमें जो किरदार है मेरी जो टीम है वो कंट्रोल करने के हिसाब से कि उसमें सब हैं सुपरमैन भी है तो कोई सुपर इंटेलिजेंट है तो कोई सुपर कॉन्फिडेंट है तो ऐसे ज़्यादातर सब सुपर मिलकर के सबसे ऊपर हो जाते हैं ऐसे कुछ चक्कर तो खैर काटने पड़ते ही हैं इस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट ऐसा कुछ बड़ा कोई केस हुआ नहीं है जिसके बारे में मैं बता सकूं आपको और जो हुआ है वो मैं बोल भी नहीं सकता ना बोलना चाहूँगा अवॉइड ही करें तो अच्छा
शूटिंग के दौरान जो है कितना मस्ती है, मज़ा तो बहुत आता है क्योंकि फिलहाल तो मैं कमिश्नर हूँ इसमें, इसलिए उस लिहाज से सबसे सीनियर हूँ मैं इस सेट पे, तो इसलिए उसका आनंद प्राप्त होता है कि सबको डांट मेरे को ही लगानी पड़ती है, सबको डिसिप्लिन में लाने के लिए घूम फिर करके सब मेरे ही पास आते हैं, इसलिए आनंद आता है। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं जितने भी क्राइम बेस्ड शो आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल्स को मतलब ये कहा जाता है क्रिमिनल्स के आइडिया मिल जाती है क्राइम बेस्ड शो देख के कि भाई ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके फिर हम निकल सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें इस शो को देख करके वैसा आइडिया नहीं आएगा क्योंकि उनको ये आइडिया लगेगा कि भैया यहाँ पे पुलिस वाले सब सुपरमैन हैं, तो अगर ये शो देख करके कोई क्रिमिनल को फिर सुपर से ऊपर जाना पड़ेगा तो वो आसान नहीं होगा किसी के लिए, तो अगर ये शो कोई क्रिमिनल देखे तो वो इंस्पायर नहीं होगा, थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा क्योंकि हमारे जो मेरे नीचे जो काम करते हैं लोग, मेरी जो टीम है बहुत स्ट्रांग है, वो छोड़ती नहीं किसी को। सर पुलिस स्टेशन पर कहा जाता है कि पुलिस की ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, तो आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में? जी दोस्ती ही तो अच्छी है, दुश्मनी तो किसी के साथ अच्छी नहीं होती है, दोस्ती के लिए तो ये वाली पुलिस बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ जो सही है उसका उसको तो फायदा होता ही है, जो गलत है उसकी तो खैर नहीं है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? कि आप इस शो को ज़रूर देखें, हमसे आप सबसे विनती रहेगी कि आप इस शो को देखें और इसका आनंद उठाएं, अपने बच्चों को भी दिखाया जा सकता है कि ये फैमिली ड्रामा है और खूब सारा एक्शन है, मज़ा आएगा, आप भी देखें। हाय, मेरा नाम आकाश तलवार है और मैं प्ले कर रहा हूँ अनुज रायकर। ये शो आ रहा है दंगल पे कंट्रोल रूम, और हाँ बिल्कुल हम वर्दी में हैं सारे यहाँ पे, और हम एक कॉप प्ले कर रहे हैं इसमें, और हमारी टीम है, हम एक ब्यूरो फॉर्म करते हैं जहाँ पे 4 स्पेशलाइज कॉप्स हैं, जो हमारे ACP हैं वो ये टीम फॉर्म करते हैं कि हर एक के पास उनका एक स्पेशल है कुछ, मैं बाद में 5 मिनट थक गया और थक गया।